हेलो एवरीवन, मैं हूँ इस चैनल की होस्ट और आप सबकी दोस्त दीप्ति। मेरी चैनल हेल्दी कुकशुक में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के मध्य की। भारत का मध्य मींस मध्य प्रदेश। वैसे तो एमपी में बहुत सारी जगह है देखने लायक, लेकिन ये कुकिंग चैनल है तो हम बात करेंगे फूड की। एमपी का एक महानगर इंदौर, और इंदौर के गलियों की फेमस लेकिन हेल्दी रेसिपी इंदौरी पालक पूरी। चलिए बनाते हैं इंदौरी पालक पूरी, तो शुरू करें। इंदौरी पालक पूरी बनाने के लिए सामग्री कुछ इस प्रकार है। पालक मैंने ली है एक बंच, हरी मिर्ची मैंने तीन ली है, धनिया पत्ता एक मुट्ठी, लहसुन तीन बड़े क्लोव्स, अदरक एक इंच, गेहूं का आटा मैंने लगभग 500 ग्राम के करीब लिया है, दो टीस्पून मैंने ऑयल ले लिया है, दो टेबलस्पून रवा, अजवाइन, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और दो चुटकी हींग। अब एक पैन में मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है, उसमें आधा चम्मच के करीब नमक ऐड करेंगे। पानी जल्दी बॉईल हो जाए इसलिए उसे लिड से कवर कर लें। पानी बॉईल हो चुका है, अभी पालक के पत्ते ऐड कर लें। पालक में आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जिससे आई हेल्थ इम्प्रूव करने में और हाई ब्लड प्रेशर रिड्यूस करने में हेल्प मिलती है। हेयर एंड स्किन के लिए भी फायदेमंद है। हमें हफ्ते में कम से कम एक या दो बार पालक को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। पालक बॉईल हो चुकी है, लुक एट द कलर, हमें यही कलर चाहिए था। पालक को ज़्यादा बॉईल करने से उसका कलर डल हो जाता है, सो उसे सिर्फ ब्लांच कीजिए। अब पालक के साथ बाकी की सामग्री को ऐड करके मिक्सचर में उसकी प्योरी बना लेनी है। अब जिस बर्तन में आपको आटा गूंदना है उसमें आप गेहूं का आटा निकाल लीजिए, उसमें रवा ऐड कीजिए, दो चुटकी हींग, नमक मैं एक चम्मच ही डाल रही हूँ आटे में, क्योंकि जब पालक बॉईल किया था तब हमने आधा चम्मच नमक डाला था, धनिया पाउडर एक चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, अजवाइन हमें हाथ में पीसकर उसके बाद ही आटे में ऐड करनी है। दो टीस्पून तेल डाल देंगे आटे में। सारी चीजें अच्छे से मिला लेंगे। मैंने एक ग्लास में यहाँ पानी ले लिया है, अगर ज़रूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल करेंगे। पालक की सारी प्योरी आटे में मिला दीजिए, और नॉर्मल जो हम पूरी का आटा गूंदते हैं उसी प्रकार गूंदना है, थोड़ा सा कड़क गूंदना है, ज़्यादा नरम नहीं करना है। मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा।
तरह से थोड़ा कड़क आटा ही गूंदना है आपको। अब मैं थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ। आटे को हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। मैं एक कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दूंगी। हमारा आटा एकदम परफेक्ट हो चुका है। जब तक तेल गरम हो रहा है, मैं आटे से गोले बना लूंगी। जितनी साइज की पूरियां आपको बनानी है, उस हिसाब से गोले बना लीजिए। जब तक तेल गरम हो रहा है, मैं पूरियां बेल के रेडी कर लूंगी। वाह, देखिए कैसे फूल रही है, परफेक्ट। एक के बाद एक कैसे फ्राई कर लें। वाओ, हमारी प्लेट रेडी है। इंदौरी पालक की पूरियां और आलू की मसालेदार सब्जी, आप भी टेस्ट कीजिए। आलू की मसालेदार सब्जी की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज़ बताइए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।